टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आगाज तो कब का हो गया है और अब तो सेमीफाइनल की रेस भी काफी आगे बढ़ चुकी है। सेमीफाइनल की रेस इतनी आगे बढ़ी कि अब वो चार टीमें तय नजर आ रही है कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, लेकिन इसके लिए भी काफी टीमों के बीच में होड़ लगी है। जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं तस्वीर साफ हो रही है, टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हार चुकी है और उसके बाद टीम इंडिया पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। लेकिन इस पॉइंट टेबल में दोनों ग्रुप में पांच टीमें ऐसी कि अब इनका सेमीफाइनल की रेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये टीमें बस दूसरों का गेम बिगाड़ने में नजर आएंगी। ये टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियली तरीके से सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। कौन सी है वो टीमें, आइए आपको बताते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, भारतीय टीम क्रिकेट के बारे में जान लेते हैं पहले कि इन्हें अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो क्या करना होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे वो पांच टीमें जिनका अब सेमीफाइनल से कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले भारतीय टीम की बात करें तो भारत को जैसे ही साउथ अफ्रीका से हार मिली, अब भारत के पास बचे हैं दो मुकाबले। दोनों के दोनों मुकाबले जीतने जरूरी है और ऐसा करके भारत सेमीफाइनल की रेस में 100% जगह बना लेगी, बाकी किसी टीम के ऊपर डिपेंड रहे बिना ही। लेकिन अगर भारत एक भी मुकाबला हार गई तो फिर भारत दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी, फिर वो डू एंड डाई के मुकाबले खत्म हो जाएंगे, यानी कि अब फिर आप दूसरी टीम पर ही डिपेंड रहेंगे। भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि अब भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश और फिर जिम्बाब्वे से है, मतलब साफ है कि भारत का पलड़ा जरूर भारी नजर आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उस टीम के बारे में जो पांच टीमें हैं और अब इनका टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से कोई लेना देना नहीं है। पहले बात करते हैं ग्रुप एक के बारे में। इसमें अफगानिस्तान की टीम तीन मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला हारी है, दो मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हुए हैं। अब ये टीम टोटली टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, क्योंकि बचे हुए दोनों मुकाबले जीतकर भी ये टीम ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट हासिल कर पाएंगी और उसके साथ में क्वालिफिकेशन तय नहीं होगा और दोनों मुकाबले जीतने भी बदत बहुत मुश्किल नजर आते हैं, इसलिए अफगानिस्तान बाहर हो चुकी है। इसके साथ में पांचवे पायदान पर जो टीम है श्रीलंकन क्रिकेट टीम, तीन में से केवल एक मुकाबला जीता है, दो मुकाबले हारे हैं। कुल मिलाकर ये टीम भी बचे हुए दो मुकाबले हैं, दोनों के दोनों जीत जाती भी है तो भी 6 पॉइंट करेंगी, लेकिन 6 पॉइंट के पास ये क्वालिफिकेशंस की रेस तय नहीं कर पाएंगी, इसलिए कहा जा सकता है कि ये टीम भी श्रीलंकन बिल्कुल पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। और इस लिस्ट में आयरलैंड का नाम भी 100% क्वालिफिकेशंस में आ चुका है, यानी कि डिस्क्वालिफाई में। आयरलैंड की टीम चार में से एक मुकाबला जीती, दो हारी, इस टीम के पास है 3 पॉइंट, लेकिन बचा हुआ एक मुकाबला जीतकर भी ज्यादा से ज्यादा ये 5 पॉइंट हासिल कर पाएंगी। लेकिन 5 पॉइंट के साथ में दो पहले से ही टीमें टॉप पर हैं अभी भी, लेकिन वो ज्यादा पॉइंट कर लेंगी। कुल मिलाकर आयरलैंड क्रिकेट टीम भी बाहर हो चुकी है। ये तीन टीमें इस ग्रुप में मान लीजिए मात्र औपचारिकता बाकी है, बाकी इनका कोई सेमीफाइनल से लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप दो में जहां भारत नजर आ रही है। इसमें आपको अभी तक दो टीमें नजर आएंगी, पहली नीदरलैंड क्रिकेट टीम, तीन में से तीन मुकाबले हारे हैं, इनके पास एक पॉइंट भी नहीं है और एक मात्र ऐसी टीम जिसके पास कोई पॉइंट ही नहीं है इस वर्ल्ड कप की रेस में। नीदरलैंड की टीम पूरी तरह से बाहर है, 100% क्वालिफिकेशन से बाहर हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी इस लिस्ट में आती है, पांचवी टीम हमारी पाकिस्तान की टीम ही है, तीन में से एक मुकाबला जीता है, दो पॉइंट इनके पास में है, लेकिन इसके साथ में वो सेमीफाइनल की रेस तो तय नहीं कर पाएंगे। बाकी दूसरी टीमों के समीकरण भले ही कितने ही बिठा लीजिए, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए कोई रेस बचती ही नहीं है। और इस लिस्ट में आप शायद जिम्बाब्वे का नाम भी जोड़े तो कोई कम नहीं है, लेकिन जिम्बाब्वे की अच्छी बात यह है कि दो हारे नहीं है, एक ही हारे हैं, इनके पास 3 पॉइंट है। बचे भी अगर दोनों मुकाबले जिम्बाब्वे जीत भी जाती है तो 7 पॉइंट हासिल करके वो सेमीफाइनल में जगह तय कर पाएंगी। लेकिन जिम्बाब्वे के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि दोनों मुकाबले भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, तो फिर दोनों जीतने नामुमकिन है। कुल मिलाकर जिम्बाब्वे भी बाहर है। अब इस ग्रुप में केवल बांग्लादेश, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में रेस नजर आएंगी। इस बारे में आपकी क्या राय? बाकी पांच टीमें नीदरलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और आयरलैंड पूरी तरह से हो चुकी है बाहर। इस बारे में आप अपनी राय जरूर बताएं।